डर में है और रिंग रोड देख लीजिएगा तो विकास सफेद सफेद दिख रहा है ब्लैक मनी सफेद हो गया बिल्डिंग के नाम से ब्लैक मनी से आदिवासी जमीन में आखिर बना क्या ये भव्य जो घर द्वार बना है सब सब आदिवासी जमीन तो आप आदिवासी के नुमाइन दे जी नाम से आदिवासी मुख्यमंत्री आप हैं लेकिन ये आदिवासी के लिए भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं पांच तारीख को एक आदिवासी का ए, रैली हुआ अपने हक के लिए कम किसी समुदाय के लिए विरोध ज़्यादा प्रकट किया गया ये बारह तारीख को फिर आदिवासी का एक महाजुटान हो रहा है कि गुजराती भाषा अनिवार्य कर दिया है प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य जो है इसीलिए अनिवार्य जो है इस देर इज ए प्रोविजन इन अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल थ्री फिफ्टी ए संविधान के अनुच्छेद 350 में प्रावधान है कि मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य और यही अनिवार्यता के कारण बंगाल 1905 में बना और बंगाल आज भी के जी टू पी बांग्ला में है पेपर पत्रिका रेडियो टीवी कोर्ट कचहरी बांग्ला है उड़ीसा में उड़िया के जी टू पी जी उड़ीस उड़िया ही मिलेगा इंग्लिश मिलेगा हिंदी नहीं है गुजरात में गुजराती मिलेगा हिंदी नहीं मिलेगा इंग्लिश मिलेगा ये उल्टा पुल्टा राज बन गया जी यहाँ पे भाषा नीति नहीं है पैसा नीति नहीं है जल जंगल नीति तो ये जंगल राज है जी इसीलिए टोटेलिटी में ये होगा कि 2024 सामने में है मैं भाषण सुन रहा लोविन हैब्रम भी सरकार के विरोध में है मैं भाषण देख रहा हूँ जयराम महतो का भी मैं इन तमाम ताकत को एकजुट करने का आह्वान करना चाहता हूँ हम बदलाव चाहते हैं 2024 में तीसरा विकल्प चाहते हैं हम ये जयराम महतो से भी कह रहे हैं पार्टी बनेगा न बनेगा एक फ्रॉन्ट बने आज जरूरत इस बात का है कि बीजेपी गठबंधन यूपीए एनडीए गठबंधन है और कांग्रेस गठबंधन केंद्र में यूपीए गठबंधन है और झारखंड में भी यहाँ दो गठबंधन है एक भाजपा गठबंधन है और एक जे गठबंधन है हम चाहते हैं तीसरा गठबंधन बने ये अपील कर बहुत बड़ा पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है ये शब्द में क्योंकि वही ढाक के तीन पात रामगढ़ में उपचुनाव हुआ अब इतना गाली दिया लड़का लोग भी सरकार को इतना गाली दिया गाली को जनता समझ लिया और गाली दिया इधर जनता हाथ ताली दिया बदलाव हो गया तो जिसको जो है चोर को हराना था डकैत को चुन लिया एक कहावत है चोर को भगाना था डकैत का साथ हो गया तो सब चोर चोर मोसेरा भाई ये वर्तमान झारखंड अली बाबान चालीस चोर का है अली बाबान फोर्टी थीप अली बाबा एक है मुख्यमंत्री अली है और चालीस है चोर मतलब 41 वन होने से सरकार बनता है 81 में अगर साधारण मेजोरिटी बोला जाएगा मैं आंकड़ा देखा हूं एटी टोटल सीट है सरकार बनाने के लिए फोर्टी चाहिए वन वन को इधर कीजिए फोर्टी प्लस वन वन हो गया अली बाबा अब फोर्टी हो गया चोर तो वर्तमान सरकार एक मुख्यमंत्री अली बाबा और चालीस तो चोर माफ कीजिएगा विधायक भी बिकाऊ है माफ कीजिएगा नौकर सा भ्रष्ट है इसीलिए वर्तमान झारखंड बिकाऊ विधायकों के हाथ में बागडोर हमारे गांव में हमारा राजो पंचायत से अलग हटके है जल जंगल जमीन सबका जमीन उसी में निहित किया गया समाहित कर दिया गया यहाँ पेशा कानून एक्ट नहीं बना है आंदोलनकारी का आयोग दो हजार बारह में प्रसार देके बना लेकिन आज जेल जाने की बाध्यता बना दिया है राजू महा तो जैसे डेली ही देखिएगा वो नेता को बुलाओ ये नेता को बुलाओ शिवू सुरन का तस्वीर लगाओ स्पीकर को बुलाओ अनुशंसा प्रशंसा हो रहा है लेकिन आंदोलनकारी का चिन्हित शहीदों को सम्मान नहीं मिला ये झारखंड दुर्भाग्य है दूसरी बात है कि यह भाषा का जमात है तो होना चाहिए जैसे उन लोगों ने कहा वेट एंड वॉच मैं बोलता हूँ बैट एंड कैच बैटिंग करो और कैच करो तो कौन आदमी है सूर्य सिंह बेसरा एक ऐसे व्यक्ति है लोबिन एमरो मेरे उम्र के हैं कई बार एमएलए बना एमएलए और भी लोग बनेंगे उसे भी ज्यादा रिकॉर्ड है एमएलएम सुर सिंह बेसरा ऐसा एमएलए जो झारखंड मुद्दे पे त्याग दिया विधानसभा बिहार भी विधानसभा अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें